में कोयलांचल के नाम से प्रसिद्ध कोरिया जिले में विकास की गंगा बहने लगी है। भूपेश सरकार बनने के बाद से ही जिले में विकास के अनगिनत काम तेजी से चल रहे हैं। दो वर्षों में जिले की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल रही है, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये नजारा है कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के। एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिले वासियों को सौगात देने उनके बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया में 212 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें से 68 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत के 80 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, 114 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत के 130 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास शामिल है। जानिए कोरिया जिले को क्या क्या मिला। बैकुंठपुर में निर्मित नया पॉलिटेक्निक भवन 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से, चिरमिरी में शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल भवन, बैकुंठपुर में लगभग 5 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से अधिकारियों कर्मचारियों हेतु निर्मित 44 भवन, मनिंद्रगढ़ में लगभग 5 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्मित 44 भवन, 4 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से नव निर्मित कृषि महाविद्यालय, 3 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 बालक छात्रावास, 89 लाख रुपए की लागत से बैकुंठपुर क्षेत्र में 134 सोलर पंप, कृषि महाविद्यालय का नाम पूर्व मंत्री कोरिया कुमार स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव के नाम पर, भरतपुर सोनहत में महाविद्यालय की स्थापना, चिरमिरी में उद्यान की महाविद्यालय की स्थापना शामिल है। मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि ये जो कृषि महाविद्यालय खुला है वो हमारे कोरिया कुमार रामचंद्र सिंहदेव जी के नाम से होगा। दूसरी मांग हमारे कमरो जी की कि हमारे यहाँ भी एक महाविद्यालय खुल जाए। मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि वो महाविद्यालय वहाँ खुले। तीसरी बात भाई विनय जायसवाल ने कही है, इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि चिरमिरी में उद्यान की महाविद्यालय खोला जाएगा और निश्चित रूप से यहाँ कोरिया के विकास के लिए कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। स्थानीय विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ करते नहीं थकते। विधायकों का कहना है कि जो 15 साल के रमन सरकार में क्षेत्र की जनता मांगती रही उसे भूपेश सरकार ने 2 साल में ही पूरा कर दिया। आपने सोनहत में एकलव्य विद्यालय की 20 करोड़ की लागत से सौगात दी है। आप भरतपुर के जनकपुर मुख्यालय में 20 करोड़ की लागत से दो दो सौगात दिए। इसलिए शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो 2 साल में काम हुए हैं और जो 15 साल में काम हुए हैं उसको आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार बनने के बाद अगर किसान की कोई चिंता किया है तो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। उम्मीद है कि इसी तरह कोरिया विकास करते हुए आगे बढ़ेगा, नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ेगा। कोरिया से दिनेश द्विवेदी के साथ वैभव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।